तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में महादेव की ये बार ड्राइंग में करने वाला यूजिंग सम ऑफ माय फेवरेट आर्ट प्रोडक्ट। हम कैमलिन की और कैमल की आर्ट प्रोडक्ट यूज करने वाले इस वीडियो में, स्पेशली देयर ड्राइंग पेंसिल एंड फिक्सेटिव स्प्रे टू गिव एन एलिजेंट लुक एट दी एंड। और एकदम स्टेप बाय स्टेप में सिखाने वाला हूँ किस तरीके से स्केचिंग करना है, किस तरीके से ब्लेंडिंग करना है, किस तरीके से लेयरिंग करना है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। और गाइस, जिसको भी नहीं पता, इस ड्राइंग की जो आउटलाइन ट्यूटोरियल है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो भी प्रोडक्ट में इस ड्रॉइंग के लिए यूज करने वाला वो आप लोग देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैमल की A4 साइज की स्केच बुक, और इसमें ऑन 40 GSM की ड्रॉइंग पेपर से, और ये लगभग आप लोग को 100 rupees में मिल जाएगी। और इसकी सरफेस भी आप लोग देख सकते हो, ये मीडियम सरफेस वाला पेपर है, तो इसमें आप लोग रियलिस्टिक ड्रॉइंग कर सकते हो। उसके बाद ये कैमलिन की ड्रॉइंग पेंसिल, इसकी लुक बहुत ही बढ़िया है गाइस, बहुत ही कूल लग रहा है देखने में। और इस पैकेट में आप लोगों को ड्रॉइंग के लिए सारे ग्रेड्स की पेंसिल्स मिल जाएगी, लाइक HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B। और इसकी MRP आप लोग देख सकते हो 70 rupees है। और उसके बाद कैमलिन की ये कलर पेंसिल भी मैं यूज करने वाला हूँ, और इसमें टोटल 24 सेट्स है, और इसकी प्राइस आप लोग देख सकते हो 130 rupees की है। और लास्ट में ड्रॉइंग के ऊपर ये अर्फिने की फिक्सेटिव स्प्रे यूज करने वाला हूँ ड्रॉइंग को सेफ रखने के लिए। तो यही कुछ ड्रॉइंग मटेरियल्स है जो कि मैं इस ड्रॉइंग के लिए यूज करने वाला हूँ। और साथ साथ डिटेल में सीखते हैं कि इन सब आर्ट मटेरियल्स को यूज करके किस तरीके से ड्रॉइंग को करना है हमें। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ है इस रेफरेंस फोटो में, हाइलाइट्स भी बहुत ही ज्यादा है, और डिटेलिंग भी बहुत ही है इस रेफरेंस फोटो में। तो ड्रॉइंग शुरू करने से पहले थोड़ा आप लोग लाइन प्रैक्टिस कर लेना। लाइक सबसे पहले इस तरीके से आप लोग को पहले पेंसिल को होल्ड करना है, और इस तरीके से आप लोग को लाइन्स को ड्रॉ करना है, और इस तरीके से सर्कल प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हो। इससे आप लोग की जो हैंड की जो मोशन है वो बहुत ही सही रहेगा। ओके, चलो बहुत हो गया प्रैक्टिस, अभी ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो अभी मैं वही कैमल की स्केच बुक यूज कर रहा हूँ, और HB ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ इस ड्राइंग की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। बाय द वे, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस ड्राइंग की प्रॉपर आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस गाइस, आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। और अभी इस ड्राइंग के ऊपर शेडिंग और कलरिंग करने से पहले थोड़ा बेसिक शेडिंग की रूल आप लोगों को जानना जरूरी है। लाइक पहले इस तरीके से हैचिंग टेक्निक से आप लोग शेडिंग कर सकते हो, ये टेक्निक बेसिकली हेयर्स में ज्यादा यूज होता है। उसके बाद क्रॉस हैचिंग में पहले तो आप लोगों को नॉर्मल हैचिंग करना है, और उसके बाद ऑपोजिट साइड से आप लोगों को फिर से हैचिंग करना है। नेक्स्ट छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में भी आप लोग शेडिंग कर सकते हो, और डार्क वैल्यूज चाहिए तो आप लोगों को ज्यादा प्रेशर आप लोगों को अप्लाई करना है, और लाइट वैल्यूज के लिए लो प्रेशर आप लोगों को अप्लाई करना है। और उसके बाद नॉर्मल इस तरीके से भी शेडिंग कर सकते हो, और इसमें भी प्रेशर ज्यादा कम करके वैल्यूज को चेंजेस करना है। उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए एक्रेलिक पेंटिंग की ब्रश आप लोग यूज कर सकते हो, नहीं तो मेकअप ब्रश का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टिश्यू पेपर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो, उसके बाद कॉटन बार से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो, और पेपर ब्लेंडर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो अगर आप लोगों के पास है तो। तो ब्लेंडिंग स्टम्प और कॉटन बर्ड बेसिकली स्मॉल एरियाज में ज्यादा यूज होते हैं, लाइक आईज में और नोज में, और टिश्यू पेपर लार्ज एरिया में यूज होते हैं, लाइक बैकग्राउंड में ज्यादा यूज होता है, और ब्रास हेयर्स में ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है। तो बस गाइस, अभी हमें ड्रॉइंग के ऊपर शेडिंग और कलरिंग को स्टार्ट करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अभी वही हैचिंग टेक्निक का यूज करके मैं बैकग्राउंड में शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी आप लोग को लेयरिंग में काम करना है, लाइक पहले आप लोग को HB ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग करना है, और एकदम लो प्रेशर अप्लाई करके आप लोग को शेडिंग करना है। अभी आप लोगों को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देन वो सेटिंग आप लोगों को टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग कर लेना है, और उसके बाद डार्क वैल्यूज को देना है सेकंड लेयर में रेफरेंस पॉइंट को ऑब्जर्व करके। लाइक कम डार्क है तो वहां पर 2B ग्रेड की पेंसिल यूज करना है, थोड़ा ज्यादा डार्क है तो वहां पर 4B ग्रेड की पेंसिल यूज कर सकते हो, और एकदम डार्क है तो वहां पर आप लोग 6B, 8B नहीं तो 10B ग्रेड की पेंसिल यूज कर सकते हो। एंड देन उसको भी लो प्रेशर में टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग कर लेना है, और लास्ट में हाईलाइट्स के लिए कोई भी इरेजर को यूज करके हाईलाइट्स को दे सकते हो। और पेंसिल को हमेशा शार्प रखना गाइस, उससे बहुत ही फाइन तरीके से आप लोग शेडिंग कर पाओगे। और कहां पर मैं कौन से ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूं वो चीज मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा, वो चीज आप लोग नोटिस करना। तो फुल बैकग्राउंड में अभी वही टेक्निक को यूज करके शेडिंग करने वाला हूं। तो अभी आप लोग देखो ध्यान से मैं किस तरीके से शेडिंग को कर रहा हूं।
बस गाइस बैकग्राउंड कंप्लीट हो गई है और अभी मैं महादेव जी की बॉडी में और फेस के ऊपर कलर पेंसिल से शेडिंग करने वाला हूँ और यहाँ पर भी हैचिंग और क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज करके शेडिंग में कर रहा हूँ। और कलर पेंसिल में डार्क टू लाइट वैल्यूज तक आप लोगों को जाना होता है, तो पहले मैं रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जो भी डार्क वैल्यूज है उसको देने के लिए मैं ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी जहाँ पर ज्यादा डार्क एरियाज है वहाँ पर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ। और एकदम से प्रेशर अप्लाई मत करना गाइस, नहीं तो इसके ऊपर लेयरिंग नहीं कर पाओगे आप लोग। और नॉर्मल एरियाज में हल्के हाथ से आप लोगों को शेडिंग करना है और जो भी हाइलाइटेड पार्ट है उन एरियाज को छोड़ के ही आप लोगों को शेडिंग करना है। उसके बाद में अभी पिंक कलर की कलर पेंसिल में यूज कर रहा हूँ और इस कलर से भी ज्यादा डार्क एरियाज जहाँ पर भी है वहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके आप लोगों को शेडिंग करना है और बाकी एरियाज में नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करके आप लोगों को शेडिंग करना है। और एकदम से जो भी हाइलाइटेड पार्ट है उन एरियाज को छोड़ के ही आप लोगों को शेडिंग करना है, नहीं तो हल्के हाथ से भी शेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इसके ऊपर डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी मुझे ऑरेंज सा इफेक्ट दिख रहा है वहाँ पर मैं ऑरेंज कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी एकदम डार्क वैल्यूज को देना है यानी ब्लैक कलर से शेडिंग करना है अभी। एंड देन इसमें जो व्हाइट कलर की पेंसिल है उससे आप लोग इसको ब्लेंड कर सकते हो और लास्ट में कटर से स्क्रैच करके आप लोगों को हाइलाइट्स को क्रिएट करना है। और यहाँ पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना गाइस, नहीं तो पेपर फट सकता है। और अभी बाकी फेस में और बॉडी में भी यही टेक्निक को यूज करके मैं शेडिंग कर लूंगा, तो अभी आप लोग देखो ध्यान से मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और अभी हेयर्स में हैचिंग टेक्निक का यूज करना है यानी हेयर की डायरेक्शन में आप लोगों को स्ट्रोक्स लगाना है और ये चीज रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके आप लोगों को करना है। और पहले आप लोगों को एचबी ग्रेड की पेंसिल यूज करना है इसके लिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के शेडिंग कर रहा हूँ और जहां पर भी ज्यादा डार्क है वहां पर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ और इसी तरीके से ही अभी फुल हेयर्स में शेडिंग कर लेना है। नेक्स्ट अभी इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूंगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके इसको स्मूथ नहीं बनाना है गाइस, जस्ट हल्के हाथ से आप लोगों को करना है। और उसके बाद अभी 6B या फिर 8B ग्रेड की पेंसिल से सेकेंड लेयर में जहाँ पर ज्यादा डार्क वैल्यूज चाहिए उस टाइप की एरियाज में अभी हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। तो बस गाइस हेयर्स कंप्लीट हो गई है और अभी नीचे की पार्ट्स में भी सेम वैसे ही उसी तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैं हेयर्स को ड्रॉ किया था। जैसे कि फर्स्ट लेयर में एचबी ग्रेड की पेंसिल से शेडिंग करना है, देन उसको ब्लेंड कर लेना है ब्रश की मदद से या फिर स्मॉल एरियाज में कॉटन बट का भी यूज कर सकते हो। एंड देन सेकेंड लेयर में 6B या फिर 8B ग्रेड की पेंसिल की मदद से डार्क वैल्यूज को देना है। तो बस गाइस ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसको लॉन्ग टाइम तक सही रखने के लिए मैं यहाँ पर आर्फिना की फिक्सेटिव स्प्रे यूज कर रहा हूँ और ये चीज घर के बाहर और मास्क पहन के यूज करना गाइस।
सो फाइनली गाइस ये ड्रॉइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये ड्रॉइंग पसंद आई है और मेरा जो एक्सपीरियंस था इन सब आर्ट मटेरियल्स को यूज करने की वो नेक्स्ट लेवल था गाइस। स्पेशली जो ग्राफाइट पेंसिल मैं यूज किया वो बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही इजिली डार्क भी हो रहा था, तो वो बहुत ही बढ़िया था। और ये सभी आर्ट मटेरियल्स की बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। डेफिनेटली आप लोग को ये सारा प्रोडक्ट्स पसंद आए। और ऐसे ही आर्ट वर्क अगर आप लोग और भी देखना चाहते हो देन आप लोग कैमलिन की आर्टिस्ट गैलरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और वो अगर ज्वाइन आवर कम्युनिटी नहीं तो साइन अप पर क्लिक करके आप लोग कैमलिन की आर्टिस्ट कम्युनिटी पर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है गाइस, जस्ट यहाँ पर आप लोग को क्लिक करके अपना मेल आईडी और पासवर्ड देके आप लोग को साइन अप कर लेना है। और उसके बाद देखना कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके अपना आर्ट वर्क शेयर कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर अपना आर्ट वर्क भी शेयर किए, तो जिसका भी आर्ट वर्क आप लोगों को अच्छा लगे उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। इवन सारे आर्ट वर्क पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। और आर्ट वर्क अपलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, देन प्लस आइकॉन पर आप लोगों को क्लिक करना है, देन जो भी आर्ट वर्क अपलोड करना चाहते हो उसको बस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पर कृष्णा जी की ये वाला आर्ट वर्क अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर रहा हूँ। देन आप लोगों को आर्ट वर्क की टाइटल देना है और डिस्क्रिप्शन पर आप लोग हैशटैग माई कम्युनिटी आवर लव यूज करना मत भूलना। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके लाइक मैं इस ड्रॉइंग को एक्रेलिक कलर से किया था तो मैं इसको एक्रेलिक कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सरफेस में यहाँ पर पेपर यूज किया था तो मैं इसको पेपर सिलेक्ट किया हूँ। एंड देन यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको अपलोड कर सकते हो। और अभी आप लोग अपना प्रोफाइल में जाकर अपना आर्ट वर्क भी देख सकते हो। तो आई होप गाइस आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से आप लोग कैमलिन की आर्टिस्ट कम्युनिटी पर ज्वाइन कर सकते हो और अपना आर्ट वर्क भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।